हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार सावर आप सबको मेरे चैनल चक्कु दर्शन में स्वागत करता हूं। मेरे साथ बने रहिए। आज हम जा रहे हैं कालेश्वर महाप्रभु जी का दर्शन करने के लिए, जो कि महुर कलाव में स्थित है। मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करते हुए अंत तक जरूर देखिए। बहुत आज आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी हम पहुंचे हुए हैं प्रभु श्री कालेश्वर महादेव मंदिर। बहुत सुंदर मंदिर है। मेरे साथ बने रहिए, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। ओम नमः शिवाय। जैसे आप पहले मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो, सबसे पहले नंदी महाराज यहाँ पर विराजमान है। भगवान नंदी महाराज को नमन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर और प्राचीन मंदिर है। ये मौर्य राजवंश का इष्ट देव है और माता रानी यहाँ पर विराजमान है साथ में। ओम राजवंश का इष्ट देवी है। बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की ठीक सामने नंदी महाराज विराजमान हैं। आप मनकामना घंटी बजा करके नंदी महाराज से जो भी आपकी इच्छा है नंदी महाराज से विराज आप गुहार लगा सकते हो। यहाँ पर दो दो नंदी महाराज हैं। प्रथम भाग में भी नंदी महाराज विराजमान हैं और आप मध्य भाग में भी जब आओगे तो वहाँ पर भी नंदी महाराज विराजमान हैं। यहाँ से आप भगवान भोलेनाथ को दर्शन करिए। कितने सुंदर और दुर्लभ दर्शन है, देखिए। बहुत सुंदर मंदिर है। मंदिर के ठीक ऊपरी भाग में नवग्रह विराजमान है। भगवान नवग्रह को नमन करते हुए यहाँ हम इसे पंडित जी को प्रसाद दे रहे हैं। थोड़ा सा भोग प्रसाद लगाने के लिए पचास वर्ष ऊर्ध ना पचास वर्ष ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିକି ଆଣିକି ଏପଟେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମହାକାଳେଶ୍ୱର। अच्छा, माँ का नाम कालेश्वरी, बाबा का नाम हूँ कालेश्वर। मौरीगढ़ रजाकर इष्टदेव इष्टदेवी इष्टदेव इष्टदेवी। अभी हमारे यहाँ पर पूजा हो गया, दर्शन हो गया और यहाँ पर थोड़ा सा हम परिक्रमा करेंगे। ये परिक्रमा मार्ग है। जैसे परिक्रमा मार्ग में हम परिक्रमा करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर भगवान गणेश जी विराजमान, भगवान जी को नमन करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भगवान कार्तिक स्वर महादेव विराजमान है। भगवान कार्तिक स्वर को नमन करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर माता रानी विराजमान है, माँ दुर्गा विराजमान है। माता रानी को दर्शन करिए। बहुत सुंदर दर्शन है माता रानी का। जय माता दी, जय माँ दुर्गा दी। अभी हमारा दर्शन हो गया, परिक्रमा हो गया। मैं आपको मंदिर का चारों तरफ का थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। बहुत सुंदर
मंदिर बनाया हुआ है। अभी मंदिर की चारों तरफ में और काफ़ी निर्माण कार्य भी चल रहा है, आप देख सकते हो। ये सामने एक छोटा सा एक बनाया हुआ है, यहाँ पर रसोईया बनाया करते थे, यहाँ भगवान की भोग प्रसाद बनता था। अभी नया कुछ काम चल रहा है, मैं वहाँ की कम्युनिटी के लोगों से बातचीत किया था। इस देखिए आप पीछे देखिए, वो सीमेंट के काम चल रहा है, छत नहीं डाला हुआ है, वो पूजा मंडप तैयार हो रहा है। और भगवान जी का ये मंदिर का ठीक लेफ्ट साइड में आपको भगवान जी का पूजा मंडप तैयार हो रहा है। यहाँ पर भगवान नंदी महाराज को फिर दोबारा दर्शन करते हुए हम बाहर की तरफ प्रस्थान करेंगे। बहुत सुंदर, आप लोगों को भी कभी मौका मिले अपने संपूर्ण परिवार को लेकर के एक बार जरूर आइए। हमारा आज का यात्रा यहीं समाप्त हो रहा है। ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? अगर अच्छा लगा लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। जो नया सब्सक्राइबर मेरे चैनल में जुड़े हुए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।